तो नहीं है तो अब दूसरा है क्या? घंटा। वेलकम टू कुरुक्षेत्र के ग्रैंड फिनाले गाइस। ग्रैंड फिनाले में हम आ चुके हैं और आज होने वाला है बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र, जिसको हम जैसा बोलते हैं। बाय द वे, आ चुके हैं सब लोग ऑनलाइन, हमारे क्रेजी क्रेजी कंटेस्टेंट्स शिवराम, जगजीत, दर्पण और लवन। कैसे हैं आप लोग? हाउ इज इट गोइंग? बढ़िया, ऑल गुड, क्या आप लोग मस्त, एकदम मस्त? मजा आ गया, मस्त मजा आ गया। दर्पण मस्त। के चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस है ना, वो देख के मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। आज हम वापस शिवराम, लविन एंड दर्पण, हाउ प्रिपेयर्ड आर यू आफ्टर द एपिक सेमीफाइनल्स दैट यू कम आउट ऑफ? पर अभी अच्छे से खाना खा के आया मैं भी यार। मेरे को लगा दर्पण बोलेगा अभी जस्ट थक के आया, बढ़िया वाला। आप एक्साइटेड हैं? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ग्रैंड फिनाले में आवाज नहीं निकलती। स्कूल की प्ले कार्ड ओ शिवालो को खबर क्या, इसके पॉइंट्स नहीं है साले, अभी मत कर। जगजीत सिंह, अबे जगजीत सिंह की आवाज निकाल रहा यार। राइट, जगजीत आ चुके हैं, शिवराम, जगजीत, दर्पण, लविन, मेरे बहुत अच्छे यार, जिनको मैंने सोचा नहीं था कि फाइनल्स में होंगे, बट वो आज हैं। और आज होपफुली हमारी स्ट्रीम भी अच्छे से चलेगी, ताकि लोग आके वोट करते रहे, लाइव चैट में चिल करते रहे। तो वेलकम गाइस, एंड आज होने वाला फाइनल्स थोड़ा गंभीर होएगा, सो बी रेडी। जगजीत वेलकम, आपका माइक म्यूट पे है, बट वेलकम। हम लोगों ने सबसे जान लिया है कि उनका सफर कैसा रहा कुरुक्षेत्र में। आई वांट टू नो आपका कैसा रहा सफर। सफर हर एपिसोड के स्टार्टिंग में मिलते हैं, बस यही सुनना था हमें। पता है आप क्रेजी कियारे के विनर हैं, कुरुक्षेत्र के नहीं, क्रेजी कियारे के विनर तो जगजीत नहीं है। अच्छा वो गेम की बात कर रहा था, मेरे को लगा शुरुआत में नीचे बाद में ऊपर वो सब। मेरे मेरे चारों प्यार साथ में है। और कौन सी प्यार जीतेगी भाई, सही से बता। अच्छा एनीवेज, नाइस नाइस क्वेश्चन शिवराम। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपका वेट करते करते मैंने एक शायरी लिखी थी, तो जो जो सुनना चाहेगा प्लीज वाह बोल दे। वाह मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखी थी। तो
अच्छे से सुनना, जो देख रहे हैं वो भी सुने। जनता जनता जवाब मांग रही है, शायरी लिखी है, शायरी लिखी है, जब मिलोगी तब सुनाऊंगा, ना जाने कब तुम आओगी, कब तक मैं रुक पाऊंगा। क्या बात है, शायरी लिखी है, जब मिलोगी तब सुनाऊंगा, ना जाने कब तुम आओगी। दर्द बता रहा है क्या तू, दर्द बता रहा है हमारे, कब तक मैं रुक पाऊंगा। ना तुम मिली किसी को, ना मैं किसी का हो पाऊंगा, जब याद तेरी आती है शराब पीऊंगा और पिलाऊंगा। तेरी यादों को धुएं के छल्लों में उड़ाऊंगा, तेरी बातें दोस्तों को सुनाऊंगा। कविता जाने कब तुम आओगी, कब तक मैं रुक पाऊंगा। शीशा हो या दिल हो कभी तो इसे गिराऊंगा, टूट भी जाएगा तो एक एक करके उठाऊंगा। हो गया, ना जाने तुम आओगी कब तक मैं रुक पाऊंगा। जिस दिन तुम आई उस दिन भी, आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्स राइट नाउ, जिस दिन भी तुम आई उस दिन भी तुमको अपनाऊंगा, बाकी के दिनों का क्या है, खिलाऊंगा और सो जाऊंगा। इसी बात पे पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र के ग्रैंड फिनाले। बंदा हिलाने के लिए भी इतना लंबा फूंक लेता है। मतलब तूने दर्द बयां किया ना, सबका दर्द बयां कर दिया, दर्द बयां कर दिया। मैं अब आपको आपके दर्द की तरफ लेके चलता हूँ। हम जा रहे हैं हमारे कुरुक्षेत्र ग्रैंड फिनाले के रूल्स की तरफ, जो कि आप लोगों को भाई थोड़ा तेरा वॉल्यूम बढ़ाएगा। हेलो, कैन यू हियर मी? मुझे तेज पसंद है। तो बॉलीवुड फिनाले के रूल्स की तरफ, ये रूल्स आपको पता ही है, यू हैव प्लेड द क्वार्टर फाइनल्स एंड सेमी फाइनल्स, तो ये बिल्कुल ही उससे अलग है। हमारा जो फर्स्ट राउंड है उसका नाम है हम पांच, जिसमें आपको मिलेंगे 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स फॉर द करेक्ट आंसर एंड 5 पॉइंट्स फॉर एवरी पास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज खान पान, जिसमें 30 सेकंड्स मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए, 10 पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर्स, 5 पॉइंट्स फॉर एवरी पास्ट आंसर। थर्ड राउंड इज कॉल्ड नाम में क्या रखा है, 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, 10 पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर, 5 पॉइंट्स फॉर पास्ट आंसर। आपका चौथा राउंड होगा, जिसमें होगा 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, 15 पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर्स एंड 5 पॉइंट्स फॉर ईच पास्ट आंसर। एंड लास्ट राउंड, अरे दीवानो मुझे पहचानो, 20 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन, 20 पॉइंट्स फॉर करेक्ट आंसर्स, 10 पॉइंट्स फॉर ईच पास्ट आंसर। ये आपका क्रेजी क्यूआरए इक्विवेलेंट राउंड होगा, नॉट दैट इसमें कुछ क्रेजी होगा या होगा पता नहीं, आई डोंट नो, सब में हो सकता है, बट ये है आपके पांच राउंड्स। आर यू गाइस रेडी? हमारा ऑर्डर रहेगा शिवराम, जगजीत, दर्पण और लविन। शिवराम, जगजीत, दर्पण और लविन, और हर राउंड में आपका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट राउंड शुरू होगा शिवराम से, सेकंड राउंड जगजीत से, थर्ड दर्पण और फोर्थ लविन से। शुरू करते हैं शिवराम आपके लिए, और जगजीत आपके लिए, और दर्पण आपके लिए, और लविन आपके लिए। पहली स्लाइड भगत का पहला हाथ रख के कहिए कि कोई चीटिंग नहीं होगी आज। आज कोई चीटिंग नहीं होगी, आज हाथ आपके क्वेश्चन आने पे हाथ रहेंगे ऊपर। अगर किसी ने इधर उधर आंखें डाली तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बट भाई भगवत गीता, मैं तो कसम खा रहा हूं भाई, कोई चीटिंग नहीं, हमारे अच्छे लोग जो चीटिंग नहीं करते। बट लेट्स स्टार्ट द गेम। शिवराम, द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज ऑफ द लेवल हम पांच सैंपल, देयर इज नो क्वेश्चंस, बहुत हो गया सैंपल क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ, नेम 5 मूवीज विद द वर्ड दिल इन इट्स टाइटल। दिल चाहता है, दिल दोस्ती एक्सेट्रा, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिल मांगे मोर, दिल देखे देखे। के लिए 10 पॉइंट्स, बहुत ही अच्छा यार, मेरे को तो बहुत बड़ा दिल है भाई का, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है जो बहुत बार टूटा है, इसलिए इसका दिल या तो कुछ चाहता है, सब झूठे हो रहे हैं, तो फिर बहुत सारे दिल है, बहुत सारे दिल ही है। बट आप समझ जाइए कैसा होने वाला है ये राउंड। जगजीत आपके पास आ रहा है सेकंड राउंड ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ जाइए मेरे को लगा सैंपल था कि शिवराम मेरी टर्न, मेरी टर्न। सेकंड क्वेश्चन टू जगजीत, ये रहा आपके लिए, नेम 5 मूवीज विद द वर्ड प्यार इन इट। प्यार, प्यार का पंचनामा 1, प्यार का पंचनामा 2, प्यार का पंचनामा इज 1 मूवी।
गदर प्यार की एक प्रेम कथा और प्यार प्यार का फलसफा। हम है राही प्यार के, हम है राही प्यार के। टाइम आपका टाइम हुआ है खत्म। आपने दिए थे तीन आंसर जिसमें गदर एक प्रेम कथा था, गदर प्यार की एक प्रेम कथा आंसर। इस ये क्वेश्चन पास होता है दर्पण को। दर्पण आपके पास है 5 सेकंड्स। प्यार इश्क और मोहब्बत, प्यार तो होना ही था, प्यार किया तो डरना क्या, ये भी होता है, ये होता है पास। 5 मूवीज विद द वर्ड शादी इन इट्स टाइटल। ये तो लेवल 1 एकदम खतरनाक। शादी से पहले मुझसे शादी क्यों करोगे, इसकी भावना ही निकल गई। दर्पण का लाइफ टाइम का क्वेश्चन हो गया है, मुझसे शादी क्यों करोगे। तो दर्पण आपको भी इसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलते। लविन आपके पास है 5 सेकंड्स टू आंसर इफ यू नो द करेक्ट आंसर। ओके, मुझसे शादी करोगे, शादी का लड्डू, भाई इसकी मूवी भूल गया मैं जो उसने बोली थी, नो डूड आई कैन नॉट। अच्छा, आपका भी टाइम जाता है। मैं तो बोली वो भी याद नहीं रही। तू लेवल बड़ा बड़ा यार, दिल तक ठीक है, फिर प्यार लेके आया, फिर शादी लेके आया। यार जो सामने वाले ने बोला वो रिपीट कर दो ना, और एक ही तो बोला है वो भी, नहीं वो वही तो याद नहीं रहा ना, वो भी भूल गया, बट कोई बात नहीं। लविन आपका आपका क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड जाते हैं। नेम 5 मूवीज विद द वर्ड हम इन इट्स टाइटल। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, हम करके मूवी है, और हम दिल दे चुके सनम, हमें रही प्यार के। हम तुम है राही, हो गया ना भाई, हो गया ना। अरे बोलते जाएंगे ना, टाइम बचा है भाई, टाइम बचा है, बोलते जाएंगे। तो हम तुम भी भाई, बट करेक्ट करते 10 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। ये वाले राउंड में, ये वाला राउंड यहीं पे होता है समाप्त। छोटा सा राउंड था ये, बट शिवराम लीड कर रहे हैं 10 पॉइंट्स पे, और जगजीत और दर्पण अपना खाता खोलने के लिए हैं। पता नहीं क्या होगा आगे। बोनस है क्या भाई? There is no bonus question in this. आपका जो बोनस क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा। We are going to the second round, जिसका नाम है खान पान, जो कि शुरू होने वाला है जगजीत से। जगजीत are you ready? जगजीत आपका पहला क्वेश्चन ऑफ द राउंड खान पान। नेम 5 इमरान खान मूवीज। जाने तो ये जाने ना, दिल्ली बेली, खुद लक, और ये होता है पास दर्पण को। दर्पण आपके पास है 5 सेकंड इफ यू कैन आंसर। जाने तो यहाँ जाने ना, दिल्ली बेली, लक, वंस अपॉन अ टाइम इन दोबारा, और अबे एक कौन सी है, खान पान ऐसी टाइप के रहेंगे, खान से रिलेटेड। ताला मेरे पे जायद खान आएगा। सेकंड राउंड सेकंड क्वेश्चन टू दर्पण गोज टू, सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड गोज टू दर्पण, सेकंड दर्पण गोज टू क्वेश्चन नंबर 2। वेरी गुड, बाकी दिन नहीं लगे। सो जाऊंगा, नेम 5 परवीन खान मूवीज। भाई ओ भाई मार, नो एंट्री, जानशीन, ओ अबे अबे क्या बात कर रहे हैं, ओम जय जगदीश, तीन हो गए। दर्पण बताइए, बताइए। शादी नंबर 1। और टाइम हो चुका है अब। लविन आपके पास जाते हैं ये वाले कि 5 मूवीज। ये मेरे तक आते तो खतरनाक आ जाते। परवीन खान, परवीन खान था ऑल द बेस्ट में, परवीन खान जैसे यार। यस, अरे वो नहीं याद रही यार वो। कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं यार। वो करीना वाला किसी ने बोला नहीं, करीना और शाहिद के साथ जो मूवी था, वो कौन सी थी यार, नाम याद नहीं। फिदा। ओके, तो लविन आपके पास आ रहा है इस मूवी इस राउंड का 3rd क्वेश्चन। आर यू रेडी? Yes, let's go. Name 5 Arbaaz Khan movies. Dabang. First. Dabang. Hello brother. Farooq Khan ke toh kaun si thi yaar? Aur bhul gaya main.
किधर से लाया यार बात खा यार दिस इज द रिडेम्पशन फाइनल भाई साहब रिडेम्पशन फिनाले टाइम होता है आप गोज टू शिवराम 5 सेकंड्स अब वो बोल देगा दबंग पैशन वो ओम शांति ओम इज काउंटेड बिकॉज़ ही कम्स इन स्पेशल अपीयरेंस अच्छा ठीक है हेलो ब्रदर नहीं नहीं हो गए 5 सेकंड हो गए हो गए हो गए हो गए प्यार किया तो डरना क्या कया मत अरे वो ऋषि कपूर वाली भी थी ना जिसमें वो नेगेटिव रोल पे रहता है ओम में भी था ढोल ट्रेन में पैर फंस जाते तो ट्रैक में पैर फंस जाती है उसकी कौन सी मूवी थी किसी ने हाँ नहीं उसमें भी था यस अच्छा क्या भूल गया खा नहीं आएगा देख सही में यार शिवराम आपकी तरफ आपका फोर्थ क्वेश्चन इज M5 Zahid Khan आराम से बोल देगा तू भाई कैश मैं हूं ना और कौन सी मूवी थी यार यार नहीं 16 दिसंबर पे नहीं था कौन सी मूवी यार मेरे को क्वेश्चन गेस करने के बाद भी आंसर नहीं पता जाहिद खान आने वाले को पहले से क्यों नहीं गेस किया तूने साले ताकि ये क्वेश्चन आपके पास 5 ऑप्शन 5 कैश कैश मैं हूं ना तेज ओम शांति ओम और तेज युवराज छह नाम हो गए भाई कौन से नाम थे वापस बताना तेज युवराज तेज अंजना अंजानी ओम शांति ओम युवराज और जो तुमने महिना और कैश बोला था वो छह वेरी नाइस जगदीश भाई मैं तो फुल फ्लो में था दो के बाद अटक ही गया था जगदीश बहुत आगे जा चुके हैं क्या पांच ही तो पॉइंट मिले हाँ मेरा खाता भी नहीं खुला है अभी तक वो भी हम लिख देते हैं यार बोनस क्वेश्चन मलाइका अरोरा है बट गाइस बाय द वे सेकंड राउंड भी हो चुका है कंप्लीट आपके पास बस 3 राउंड्स बचे हैं जो करना है अब यहां पे करना पड़ेगा पॉइंट्स बता शिवम लगा है 10 पॉइंट्स पे जगजीत है 5 पे और दर्पण है 0 पे कुछ लेट्स गो टू द नेक्स्ट राउंड इसका नाम है लेवल नाम में क्या रखा है जो कि शुरू होने वाला है दर्पण से ये होने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें आप मिलेंगे दो दो क्वेश्चंस इसके सब में 10-10 पॉइंट्स हो ठीक है वी हैव अ चांस टू गेट 20 पॉइंट्स गाइस गेट रेडी क्वेश्चन टू दर्पण आइडेंटिफाई द एक्टर हुज रियल नेम इज मोहम्मद यूसुफ खान किस एक्टर का असली नाम दिलीप कुमार का आंसर करेक्ट है इज दैट द फाइनल आंसर अगर करेक्ट नहीं हुआ तो ये हो जाएगा पास दिलीप कुमार इस दर्पण आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स क्या बात है नाइस 10 पॉइंट्स पे दर्पण आ चुके हैं अपना खाता खोल के सीधा लविन और शिवराम के साथ लविन मैं सोच रहा हूँ ऐसे 8 और कौन एक्टर हैं जिनके नाम अलग yes, यही तो हम भी सोचते थे बट लविन चाहते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ yes, let's do it. The actor whose real name is प्रीतम सिंह प्रीतम सिंह किसका असली नाम है अरे ये ना बंदी भी हो सकती है पंजाबी लोग में कुछ भी होता है अजय देवगन क्या बात कर रहे हैं पासेस ऑन टू शिवराम क्या रहेगा आपका आंसर भाई क्या बोल रहा है यार ये सब पास मत किया कर जगजीत आपके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड टू जगजीत इसका है ये असली नाम अजय सिंह किसका है असली नाम नाम अजय सिंह किसका राज कपूर आपका फाइनल आंसर है या हमें लेना ही पड़ेगा बिकॉज टाइम अप हो चुका है राज कपूर इज
और द आंसर पासेस ऑन टू दर्पण. दर्पण कौन है इसका असली एक्टर एक्ट्रेस? अजय देवगन. अजय देवगन क्लोज नहीं लग रहा, अगर इतना क्लोज होता तो मैं देता नहीं. बट इसका असली नाम कोई तो बंदी है ये. मैं एक क्लू देना चाहता हूँ, लाशों के ढेर बिछा दूंगा पापा. संदीप देओल बे सिंह यार, ये नाम बदलते ना मैं तो. सरनेम कौन बदलता है यार? यार मेरे को हाँ बोल ना, देओल का सर सिंह यार, सिंह का देओल कर दिया साला. अजय सिंह देओल वाज द फुल नेम. एनीवे दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. का नाम भी आएगा पापा, बॉबी का. अबे बॉबी आजकल डीजे बना हुआ है भाई. अम्मी को लगता है लेवल और खतरनाक होने वाला है. अब आएंगी आंटियां बॉलीवुड ले दर्पण से. ये राउंड शुरू हुआ दर्पण से. आ चुके हैं पापा के प्रेशर के दर्पण के दर्पण. एक और टास्क मिला आपको, गेस करिए कि असली नाम कौन है. गौरांगा चक्रवर्ती इसका असली नाम से लाया है भाई. कहां से लाया है इसका असली नाम? गौरांगा चक्रवर्ती. मीमो चक्रवर्ती इज नॉट द करेक्ट आंसर. दर्पण आपका मीमो कौन है? जाते हैं लविन के पास. लविन आपके पास एक गेस करने का टाइम है. काजोल. क्या बोल रहे हो यार काजोल? यू वेरी क्लोज, यू वेरी क्लोज. मेरे को लगा रानी मुखर्जी. यू वर वेरी क्लोज दर्पण. लविन तो बहुत दूर थे. यू वर वेरी क्लोज दर्पण. दर्पण उसका बाप मिथुन. मिथुन का असली नाम था गौरांगा चक्रवर्ती. बे यार तो वो तो मेरे को लगा बहुत ऑब्वियस है तो वो नहीं बोला मैं. ऐसी तो आपके साथ खेला जा रहा हूँ. मैं वही सोचा कि इसने मिथुन के मतलब मीमो कौन है ये. अबे मैंने उसके बेटे का नाम ले लिया, मेरे को लगा मिथुन थोड़ी होगा ऑब्वियसली. मीमो का भी सरनेम तो चक्रवर्ती है ना भाई. हाँ अरे क्या इस राउंड में लविन के पास जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. कौन है इसका असली हकदार? अबे जॉन, क्या है जॉन प्रकाशा राव जनुमाला बताओ. ये क्रिश्चियन है ये. चले पड़ोस में रहता है मेरे. कौन है ये असली, किसका असली? अर्शद वाकली है क्या? माँ कसम क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम में भाई नहीं पारसी ढूंढा. ये तो खतरनाक लाया. ये तो जगजीत आंसर जॉनी लीवर इज इट. बट इसके लिए कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे जगजीत को. बट जॉनी लीवर का असली नाम है जॉन प्रकाशा राव जनुमाला. इसी ये कहाँ पैदा हुआ था भाई? मुंबई में. श्रीलंका. श्रीलंका उसने अपने सब पापा का नाम. अरे तेरे को ट्रिविया पता है ना तुझे जॉनी लीवर का? He used to work in Hindustan Liver and that is why he has kept Liver as his second name. He grew up to fame over there. Yeah. Yes, रीना लांबा. रीना लांबा किसका असली नाम? जगजीत ने गेस किया है मलिका शेरावत. मलिका शेरावत इज करेक्ट. क्या बात है जगजीत पहुंच गया 5 पॉइंट और जगजीत पहुंच गया 10 पे. हां तो ऊपर है दोनों के मेरे होल्ड रसील. तुम लोग क्या रियल नाम से भी नए वीडियोस मिलते हैं क्या? रियल नाम से सर्च करना. बट शिवराम ये इजी था भाई. But नहीं पता सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है. इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप चारों हैं 10-10-10 पॉइंट्स पे. एक ऐसा ही कोई फाइनल्स हुआ था जिसपे लोग 270 तक 250 तक 200 250 300 टच कर रहे थे. आज 10 पॉइंट्स. तीसरे तब दोनों हाथ नीचे थे ना लोगों के. बट बढ़िया है. दर्पण आपके लिए नहीं जगजीत के लिए लास्ट क्वेश्चन. जगजीत क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर दे के पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर?
या दर्पण को पास होएगा और दर्पण पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर, देखते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टर हुज रियल नेम इज सुयश शरद। अरे यार ये सुना, रिवर्स पे दे पास। आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगता है कि जब किसकी चांस नहीं होती उसको आंसर आ जाता है, बिकॉज दैट्स द फन। खत्म जगजीत, नहीं हो पाएगा आज, फाइनल्स है। ये पास होता है दर्पण को। दर्पण, डू यू नो द करेक्ट आंसर? ऐसा कुछ फेमस है क्या? बहुत ऐसा कुछ फेमस है कि नहीं वो हम नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे इसका आंसर। शरद केलकर। अरे साहिल इसने आंसर दे दिया, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि फंडे मेरे को याद आ गया। अरे यार तीन राउंड हो चुके हैं कंप्लीट भाई, मतलब एकदम जेन्युइन डाउट। माँ बाप ने सुयश जैसा नाम रखा, चंकी कौन करता कुछ का नाम? उस टाइम पे ऐसा होता था कि थोड़ा कैची नाम है। उसकी जो रियल जो वाइब्स ऑफ वो वाला नेटफ्लिक्स पे सीरीज है ना, उसमें भी ये बोल रहा हूँ। तीन राउंड हो चुके हैं कम्प्लीट, 10 पॉइंट्स पे हैं चारों। कौन जीतेगा अल्टीमेट बॉलीवुड विनर का? मतलब सबसे भारी चीज तो ये है कि जगजीत ने दो सही जवाब देख के पांच पॉइंट्स लिया और हमने तो एक ही। बट कोई बात नहीं, ऐसी गेम जगजीत लास्ट टाइम जीता, मेरी मेहरबानी पे है फिर तो। ये तो अच्छा है, मेरे को दिलीप कुमार तो आ गए। हाँ यार वो आटो नाम में से वो एक ही नाम कॉन्फिडेंट थे सब लोग, दिलीप कुमार ही है यार ये। बस बस नहीं पता भाई, सीरियसली साला वो मिथुन वाला मिस हो गया मेरे तो। मिथुन वाला इजी था, मीमो बोल दिया यार, मैं तो बोला कौन सा नाम ले लिया इस भाई। मेरे को लगा फिर से मेरे पे प्रीति जिंटा जैसा कुछ आया होगा, तो मैंने रानी ये लड़कियों का ए से एंड होता नॉर्मली, बट नाइस। Lavin was heading towards the right direction, but प्रीतम सिंह तो अभी चारों के 10 पॉइंट है। क्या है फाइनल स्कोर? आप चारों हैं 10 पॉइंट्स पे, हम चाहते हैं देखना कि कौन जाता है आगे नेक्स्ट राउंड में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग राउंड है, बहुत टफ नहीं होगा। आज टाई ब्रेकर नहीं होगा, आज टाई ब्रेकिंग राउंड दूंगे तब खाली 10 पे। चलते हैं आगे, देखते हैं आप नेक्स्ट राउंड लेवल। गाते रहे मेरा दिल, जो कि शुरू होने वाला है Lavin से। Lavin आर यू रेडी? आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, और इस ये वाले लेवल के दो पार्ट्स हैं, हर एक क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। अगर आपने दोनों गैस कर लिए तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर एक ही गैस किया तो बस 15 पॉइंट्स। कोई भी एक नहीं, मेन वाला जो है वो 15 पॉइंट्स का है, उसके साथ जो एडिशनल है वो 5 पॉइंट्स का है, वो मैं बताऊं। 30 सेकंड्स का है? टाइमिंग कितनी है? इसकी है 30 सेकंड्स। ओके चलो ठीक है, नहीं आई थिंक 20 सेकंड्स। कौन सा गाना गाया? क्या बोलती नहीं राजा हिंदुस्तानी जल्दी जल्दी रंगीला में कौन सा गाना था? अब यार मेरे को 5 ही पॉइंट मिल रहे ना, मैं एक्स्ट्रा आंसर क्यों दूं? बट नहीं रंगीला तो वो भी गलत है। अबे दिल्ली वाली मैं बोलू गुलाम। गुलाम वाज द मूवी। शाहरुख खान संग यार मैं दर्पण के लिए सोचा था। शाहरुख खान, शाहरुख खान किरण गाना गाया था ओम शांति ओम में कौन सा नहीं वो दिल वाले नहीं पता नहीं यार
टाइम हो चुका है अब, आपने जो दो गेस करे वो भी आसपास नहीं थे. जगजीत, व्हाट इज योर आंसर? इट पासेस ऑन टू यू टू गेट 5 पॉइंट्स. बाजीगर ये डर, बाजीगर ये डर. ऑप्शंस देना कब का बंद करेगा भाई? डर दर्पण ने इस राउंड के दोनों आंसर दे दिए. आई होप कि वो अपना भी आंसर दे दे. वो नहीं दे पाऊंगा. वो बंदे को आएगा सुहेल खान. भाई साहिल, साहिल यार जब तक है जान में, जब तक है जान पोएम भी तो उसने गाई थी. आपके पास आ रहा है आपका क्वेश्चन. नेम द मूवी वेयर ऋतिक रोशन हैज सांग द सॉन्ग. रोशन ने कौन सी मूवी में गाना गाया था और कौन सा गाना गाया था? क्या आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स या 15 पॉइंट्स? ये तो मुझ पे शिफ्ट होना चाहिए भाई. लविन के हाथ नीचे, लविन के हाथ जैसे ही नीचे. नहीं भाई, कहोना प्यार है. लविन के हाथ नीचे गए और लविन ने बोला ये कहोना प्यार है. कहोना प्यार है इज द रॉन्ग आंसर. दर्पण की तरफ ये जा रहा है. दर्पण ने पहले हाथ उठा लिया. दर्पण क्या है? ZNMD, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. कौन सा गाना गाया था? ले ली है लीड. वी वर लुकिंग राइट में गया था उसने. डेब्यू उसने डेब्यू गाने का डेब्यू किया था. ये दर्पण को 5 ही मिला ना. पहुंच चुके हैं टॉप ऑफ द राउंड पे और फोर्थ राउंड पे. दर्पण तो टॉप दर्पण को 5 ही मिला है. 5 पॉइंट्स. शिवराम, लविन और जगजीत 10 पॉइंट्स पे. जगजीत और लविन और शिवराम 10 पॉइंट्स पे. दर्पण 15 पॉइंट पे. दर्पण फोर्थ लेवल पे टॉप पे आ चुके हैं. उनके पास बस 15-20 पॉइंट और मतलब जाते हैं नेक्स्ट राउंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दर्पण के लिए, दर्पण द क्वेश्चन फॉर यू इज धर्मेंद्र ने कौन सा गाना इस. ये क्वेश्चन आपको 20 पॉइंट दे सकता है अगर आप दोनों चीजें गेस कर ले. द क्वेश्चन इज इन द मूवी वेयर संजय दत्त हैज सांग अ सॉन्ग. संजू कौन सा वो लास्ट वाला जो है ना. लास्ट वाला क्या ये गाना बोल. लास्ट फर्स्ट कौन सा? यूट्यूब पे वो लास्ट था ना. मैं मूवी आधा ही देखा. मेरे लिए तो लास्ट होने लगा. देख मेरे को मूवी तो राइट है. वो लास्ट में उसका रणबीर कपूर के साथ क्या गाना है यार वो याद नहीं आ रहा. जो इसने दर्पण ने मेंशन किया वो करेक्ट आंसर है. खूबसूरत जिसमें उसने ए शिवानी गाया था. बट संजू इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर बिकॉज उसमें उसने गाया है. हम जाते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे आपको गाना नहीं गेस करना है. एक नाम पॉप आउट होगा उसमें उसके दो आंसर्स हैं. दो आंसर्स हैं, दो मूवीज हैं. एक्टर जो भी होगा वो आप देख लेना और उसका आंसर जिसने पहले दिया उसको मिलेंगे 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. वो पहुंच जाएगा सेकेंड पोजिशन पे. अनलेस दर्पण दे तो वो फर्स्ट पे ही जाएगा. क्या बात है. चलो जाते हैं बोनस पे. ये बोनस क्वेश्चन इज नेम द मूवी वेयर सलमान खान हैज सांग. दबंग. अरे वो हीरो. हीरो दबंग. युवराज. युवराज. लविन. हीरो. अबे बजरंगी भाईजान. आप लोग के आंसर्स हो चुके हैं. लविन तेरा आंसर बताओ. यार अब दिया लविन. अरे भाई युवराज मूवी है ना. युवराज. जग सुल्तान. सुल्तान भाई. हीरो. जग मूवी जिसमें भी वो है क्या मैं हूँ हीरो तेरा. सलमान ने सुल्तान में भी तो है. ये मैं हूँ हीरो तेरा उसने गाया है. यार मुन्नी बदनाम उसने गाई थी. दबंग में भी थी यार. सबसे वर्स्ट हीरो ने हीरो नाम का एक गाना गा के दर्पण को मिला. दर्पण को दिला दिए 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स. दर्पण लीड कर रहे हैं फोर्थ राउंड के एंड पे 35 पॉइंट्स से. जगजीत, शिवराम और लविन है 10-10 पॉइंट पे.
जीत शिवराम और लविन है 30 पे, दर्पण है 35 पे, बहुत ही रोमांचक किताब है। बहुत ही अच्छा रोमांचक। अभी अभी आपके पास है चांस फिफ्थ राउंड, अभी क्रेजी किया रे, चलो फिफ्थ राउंड क्रेजी किया रे टाइप का राउंड है इसका नाम है। फिफ्थ राउंड पे शिवराम फर्स्ट है, चलो शिवराम लास्ट एंड का। अरे दीवानों मुझे पहचानो, इसमें आप अहिल कुकरेजा, इस गिव मी 20 पॉइंट्स, इसमें आपको मिलेंगे दो दो क्वेश्चंस पर पर्सन। भाई यू आर रॉन्ग नटकेस, 20 गिव मी 20 पॉइंट्स, 20 सेकंड्स, 20 पास हुआ ना तो 5 मिले, 20 सेकंड्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 20 seconds for each question, 20 points. भाई हम time क्यों बनाया है यहाँ पे? 20 points for each correct answer and 10 points for each past answer. तो guys यहाँ पे pass मत होने देना, क्योंकि pass आप पलट सकता है। नहीं तो wrong answer भी pass तो होगा ना? तो मतलब correct answer देना यार। Thank you. मैं बोला pass मत होने देना, attempt करने कुछ। सिर्फ ऐसा बोलना पड़ेगा कि पास मत करना, भले रॉन्ग है पास मत करना, लेकिन पास नहीं होना चाहिए। बट चाहते हैं शिवराम के लिए पहला क्वेश्चन, क्या शिवराम दो आंसर कंटिन्यूअसली देके और दर्पण को दोनों आंसर ना दिलवा के क्या जीत पाएंगे शिवराम? अरे दीवानों मुझे पहचानो का पहला क्वेश्चन इज ये गेस, ये देख के आप गेस करिए कि मूवी कौन सी है। अरे बाप, एक गेस करें, 20 सेकंड्स मिलने वाले हैं आपको शिवराम। एक बहुत डायरेक्ट भी हो सकता है और बहुत इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बहुत टफ भी हो सकता है, बहुत इजी भी हो सकता है। कांसू करके कोई मूवी थी है भाई? कांसू बॉलीवुड मूवीज बात करी जा रही है, चाइनीज वाले नेक्स्ट क्या है, चाइनीज मूवीज पे भी जाएंगे। बट जगजीत पास होता है आपके पास, क्या आपको आइडिया है? कांसू एक तरफ तराजू भेजा फ्राय, भेजा फ्राय, भेजा फ्राय, क्या बोल रहा है, भेजा ही नहीं उसमें, क्या बकचोदी कर रहे हो यार। इसका करेक्ट आंसर है आशिकी 2। अरे रे, आपके पास चांस बचती है सेकंड आने की या थर्ड आने की? नहीं आ रहा, मैं फोड़ता हूँ। आप जाते हैं जगजीत के पास। जगजीत, द क्वेश्चन टू यू इज गेस द मूवी। दो दिल मिल रहे हैं, नहीं 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 दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, नहीं 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 टाइम हो रहा है, दिल दिल मिले, दिल मिले, दिल मिले, क्या है क्या है भाई, क्या लेवल में है यार, बीच में दिल है तो दिल पे क्यों अटका था? दिल मिले, दर्पण के पास जाते हैं। दर्पण गेस, लव शव द चिकन खुराना, लव शव द चिकन खुराना में वेज क्यों दिखाया जाएगा? बट हम ये दिखाना चाहेंगे कि इसका आंसर है टू स्टेट्स। क्यों भाई? क्योंकि वो नॉनवेज भाई, मैं भाई मत सीधा ही बोल देना कि पुराने लेवल जो स्कोर है वही चलेंगे आगे, तो ये क्या राउंड खिला रहा भाई? ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। सो दर्पण आपके पास आता है इसका थर्ड क्वेश्चन। अरे दीवानों मुझे पहचानो का थर्ड क्वेश्चन टू दर्पण। गेस द मूवी। भाई बहुत कुछ अगर दर्पण हंसने लग गए हैं, लविन आप भी सोचिए अगर पास हो गए तो आपके पास आएगा। दिमाग में बहुत गंदा क्या लाया क्या? तारे जमीन पर, तारे जमीन पर, दर्पण की हालत देख के नहीं, आपको क्वेश्चन देख के आंसर देना है। आपके पास जाता है क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर नहीं था। लविन व्हाट इज योर आंसर? भाई ये क्या है मजाक यार, ये तुम लोगों को कैसे नहीं पता चला यार? Yes. तू बता दे, चल मेरे पास। लविन, लविन ने कर दिया है पास। मैं आपको एक क्लू देता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं। यार ये गलत देगा, ये आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हैं। आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष हैं, आप ज्ञानी हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप समथिंग हैं, आप पुरुष ही नहीं, आप पुरुष महापुरुष अंदाज अपना अपना अंतर होता है, अंदाज अपना अपना। वाह, ये नहीं पता था यार। मैं सही बताऊं मैं क्या सोच रहा था? मैं अच्छा इसमें लॉजिक तो बता दो मैं कंप्लीट। आप पुरुष नहीं, आप ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप बाहुबली हैं,
आप पुरुष ही नहीं, आप महापुरुष आप पुरुष ही नहीं, आप भोसड़ी वाले, आप पुरुष ही नहीं, आप हारने वाले मेरे को ये पहला ऐसा क्विज होगा जिसमें सेकंड रैंक पे तीन लोग हैं यार, मतलब मैं खुश हूँ कि यार सब सेकंड आ रहे हैं, इट्स नॉट लाइक वी हैड अ टफ लविन की चांस बची है, लविन की चांस बची है, लविन की चांस बची है इस राउंड की, देखते हैं नेक्स्ट राउंड, इस राउंड का नेक्स्ट क्वेश्चन लविन के लिए क्या होता है। लविन क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, गेस द मूवी। अगर आपने सोचा था कि ये इजी होगा ये हो भी सकता है, अगर सोचा था ये टफ होगा तो वो भी हो सकता है, अगर आपने कुछ सोचा ही नहीं था आप चले हिंदुस्तानी या ये मैं गेस कर सकता हूँ, ये बहुत क्लोज है लविन बट दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। शिवराम कौन पे बोला दिल्ली हिंदुस्तानी बोला, बट आई फील वो 1942 लव स्टोरी बिकॉज़ पाकिस्तान सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ, दैट इज अ वेरी लॉजिकल आंसर बट अगेन द रॉन्ग आंसर। दर्पण बोल रहे हैं कि शायद उनको आंसर आता है, दर्पण व्हाट इज द आंसर? आपको देना पड़ेगा इफ यू वांट टू स्टैंड अ चांस टू शिवराम, तो इसका शिवराम तो इसका करेक्ट आंसर देता है और दर्पण नहीं देता और लविन भी नहीं देता और पास होता है, तेरे पास आता है। मैं ये जैसे जैसे वर्ल्ड कप में, जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया के चांसेस वही होते हैं कि अगर हर माँ को अपने बेटे से होती है अगर वो 90s में वर्ल्ड कप होते थे ना, अगर इंडिया को जाना है तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा, इंग्लैंड बांग्लादेश से 4 विकेट से हारे, वो आखिरी में दे रहे थे ना, अरे नहीं आखिरी बॉल पे मैं बोला 2 छक्के पड़ जाएंगे और इंडिया जीत जाएगा, नो बॉल भी हो जाएगा, छक्का भी हो जाएगा, फिर एक और 38 पे छक्का मार देंगे। बट जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, अरे दीवानों मुझे पहचानो, गेस द मूवी, ये कौन सी मूवी है यार, क्या है ये कौन सी मूवी है, फिंगर क्रॉस, मतलब होप हो सकता है, क्या होप था, क्या होप था, होप करेक्ट करेक्ट लाइंस पे हैं आप शिवराम, होप किसको था, किससे था, क्या था, था नो एंट्री लग रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता था अगर करेक्ट होता, दिस इज नॉट द राइट आंसर। जल्दी से ज्यादा आपके पास कलर भी रेड और व्हाइट दिया है तो उससे भी थोड़ा, मैं सोचा था जो टाइटल था दैट वाज ऑलवेज इन रेड एंड व्हाइट, वो हाथ भाई ये साहिल तूने ज्यादा दिमाग लगा लिया, हाथ ऐसे बनाता ना, ऐसे नीचे बना दिया, अपनी पीछे रख के ऐसे नीचे पॉइंट करता था जब वो, हां वो की मम्मी के सामने पिक्चर बराबर देखा करो तुम लोग, तब उसके पीछे रहता है, बट कोई बात नहीं। जगजीत शिवराम 10 पॉइंट्स पे, जगजीत 10 पॉइंट्स पे, लविन 10 पॉइंट्स पे और दर्पण 35 पॉइंट्स पे हैं, तो बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। जगजीत आपके पास चाहते हैं गेस करो कौन सी मूवी है ये, अबे गेस करिए कि ये इस कौन सी मूवी है, बैंड पकौड़े की किस्म, बैंड बाजा बारात, बैंड बाजा बारात इज द करेक्ट आंसर। जगजीत अबे तुमने वाह वाह काले की कसम लिखा है तू, 30 points पे जगजीत पहुंच चुके हैं 30 points पे, सेकंड अकेले आप अकेले सेकंड ए लविन आ सकता है, नहीं आ सकता अभी तक के लिए, अभी तक के लिए देखते हैं दर्पण के लिए क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण गेस, दर्पण दिस इज योर चांस कि तू पास कर दे और लविन को बोल जीत के दिखा, जीत हां ऐसा तू चिढ़ा सकता है लविन के, चल चल जीत के दिखा दे, मेरे को पता है फिर भी पास कर रहा हूं। बट जाते हैं दर्पण के क्वेश्चन की तरफ, दर्पण क्या एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे कि दर्पण लविन को एक चांस देंगे कि चाहे तू जीत ले, कुछ नहीं दर्पण, दर्पण गेस दिस मूवी, यार ये सब मुझे क्यों नहीं आया, फिर तो अभी भी आते हैं ऑब्वियसली, ओह नाइस आई लाइक इट, टाइम होने वाला है आप दर्पण, दर्पण ने बोल दिया है कि मेरे को नहीं आना। लविन आपके पास जाता है ये क्वेश्चन, डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन,
I'm thinking. Take your time. Not alone. दर्पण कहाँ चला गया? मम्मी को बता दे मम्मी जी मेरा जीत गया रिक्वेस्ट नहीं पता अभी ओ तेरे चलो चलो फिर ठीक है यार पास कर दे उसको भी नहीं पता मम्मी को दर्पण हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि तू मम्मी को बताने गया था कि तू जीत गया मम्मी मैं जीत गया मम्मी मैंने लविन को पास किया लेकिन वो बताएगा नहीं टाइम लविन आपका टाइम हो रहा है आप अगर आपको इफ यू वांट टू टेक अ गेस यू कैन नहीं नो आईडिया द करेक्ट आंसर इज हेदर लगा चुनरी में था एक आइसलैंड पे ब्लड शेड हुआ था सो आइसलैंड मतलब आइसलैंड जगह नहीं एक आइस था एक लैंड था जिस पे आइस थी बट जाते हैं लविन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ लविन आर यू रेडी बड़ी बड़ी भाई अच्छा गेस द मूवी यार इतना सिंपल पास कर दे मेरे को सही में इसका जवाब लविन पास करने चाहते हैं तो आप पास कर सकते हैं शिवराम पहला वाला बोल शिवराम अकेले थर्ड पे आ जाएंगे अगर यार जीत गया होता मैं पहला वाला जवाब देता तो शिट यार ये कैसे नहीं याद आ रहा मेरे को नाम इसका सब ये टाइम होता है अब जाता है शिवराम के पास शिवराम व्हाट इज द कैरेक्टर दोस्ताना रे शिवराम ने बोला है दोस्ताना शिट यार मतलब सीन याद आ गया लेकिन दोस्ताना इज द राइट आंसर तू साले सीन सोच के चला गया ना मूड पे और ये क्या थी यार दोस्ताना इज द करेक्ट आंसर शिवराम आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स आप अकेले हैं I am the only person और इसी तरह जिसने first question right दिया और last question और इसी की तरह कुरुक्षेत्र यहाँ होता है खत्म grand finale guys well played very well played दर्पण जीत चुके हैं can we have a round of applause for दर्पण nice guys super बहुत बढ़िया था भाई दर्पण ये तो बहुत जबरदस्त था भाई भाई मतलब हम लोग तीनों मिलकर दर्पण को हराए ना दर्पण को मिलके हरा दिया yes आप लोग ने मिलके हरा दिया बिल्कुल दर्पण के लिए बड़े तालियां दर्पण दोस्ताना यार बिल्कुल याद आता तो मैं चला सेकंड होता दर्पण कितने हैं दर्पण के पॉइंट 35 दर्पण 35 पॉइंट्स पे होके जीत चुके हैं पांच राउंड में दर्पण हैज ऑलवेज लॉग्ड हिज एस इन हिज लाइफ टू गेट 35 यस एंड कुरुक्षेत्र में भी दर्पण पहले बाकी लास्ट क्या फाइनल स्कोर्स क्या है फाइनल स्कोर्स आर लविन 10 शिवराम 20 जगजीत 30 एंड दर्पण 5 पॉइंट्स से जीतते हुए 35 पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं जगजीत आ गए हैं सेकंड शिवराम इज ऑन थर्ड लविन इज ऑन फोर्थ बट आप सबने लोगों का दिल जीता है बट एनीवेज दर्पण के लिए हो जाए एक बहुत राउंड ऑफ अप्लॉज उसने करी है बहुत सारी मेहनत और जीते हैं दर्पण कंग्रेचुलेशंस आपको मिलता है अमेज़न का एक वाउचर कितने का वो आप डालना चाहते हैं तो हम बता दें 500 रुपए का होगा आप उससे एक हेडफोन्स खरीदे $500 बहुत मजा आया क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल बहुत ही अच्छे थे एंड आई होप यू गाइस हैड फन हम लोग आने वाले हैं कुरुक्षेत्र का एक और नया राउंड लेके चल इसमें होगा कुछ फन तो आई होप कि आप लोग उसका भी एक पार्ट हो समवेयर समहाउ and hum bahut maza karenge next bollywood to jamin acha by the way anyone who would be watching the video aur yahan tak pahunch chuke hain aur ab dekh chuke hain ki stream end hone wali hai main ye bata dun ki hamari next kurukshetra ek bahut interesting is hone wali hai which is scribble karke ek game hai ab jisko aata hai wo usko aata hai jisko nahi aata usko hum sikha denge but hone wala hai to jisko bhi part lena hai please come and join hey I'm in scribble Amen. And on the last note, on the last Akansha note, Sanya, thank you guys. आप लोग के कारण finals तक आया हूँ. Well played. Thank you everyone who was a part of Kurukshetra. Thank you so much all the 16 thank contestants. You so much, thank you so much. Thank you so much. Bye. We appreciate. Last but not the least. last but not the least. Thank you Akash Parmar, also known as Derek No Brain, who could not be a part of us in the few quizzes. In the stream. But एक रहस्य की बात बताता हूँ कि ये जो लास्ट सेगमेंट था ये डिजाइन किया गया था आकाश परमार के द्वारा नो वंडर इट वाज नो ब्रेनर एंड आई कुडंट टैक नो ब्रेनर एक नो ब्रेनर कोई जगह थी थैंक यू सो मच गाइस अगेन दर्पण आपका अमेज़न वाउचर आपको मिल जाएगा आपके मेल पे इसी के साथ लेते हैं विदा थैंक यू सो मच गाइस नमस्ते प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू गाइस मिलते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब बाय लाइक सब्सक्राइब subscribe and subscribe